पूजनीय गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी रमेश जी सा सरचा भजन सुना रहे हैं जी। इनके और प्रेमी नरेश और राम मेहर जी सा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सहारा है एक तेरा मैनू सहारे होर की करने। सहारा है एक तेरा मैनू सहारे होर की करने। ओ प्यारा है तू ही मैनू मैं प्यारे होर की करने। सहारा है एक तेरा मैनू सहारे होर की करने। मेरे नैना ते विच तेरी ही तस्वीर वसदी है। तेरे चरना ते डेके ही तकदीर हसदी है। नजारा कर लिया तेरा नजारे होर की करने। सहारा है एक तेरा मैनू बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख देहे नाम संतोखिए उतरे मन की भुख। किसे होर मैं तर जाके ओ कुछ मंगा ता क्यों मंगा। तेथों ही मंगा मालक ओ हुन संगा ता क्यों संगा। किनारा मिल गया मैनू किनारे होर की करने। तेरे प्यार ते सदके मैं दुनिया भुला दीती। तेरी सिखिया लुपन पल्ले नवी दुनिया बसा लीती। फुलारा ले यार भी फुलारे होर की करने। ओ
रंग प्रीत हो तेरी दा कदे भी लह नहीं सकता बुराडे कमल चरना तो सने ही रह नहीं सकता दोबारा मिल गया मैनू दोबारे होर की करने सहारा है एक तेरा मैनू सहारे होर की करने ओ प्यारा है तू ही मैनू मैं प्यारे होर की करने सहारा है एक तेरा मैनू सहारे होर की करने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी राम हेर और नरेश जी इंसा भजन सुना रहे जी। इनके बार मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसा भजन बोलने के लिए तैयार रहे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा धनन सतगुरु तेरे आसरा तबारी रखते हैं और बहुत ऐसे हैं कि जो इल्म हुनर रखते बहुत ऐसे हैं कि जो दौलत जर रखते और हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं तो सतगुरु ने जिसे चाहा सतगुरु ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला दीवाना बना डाला दीवाना बना डाला दीवाना बना डाला सतगुरु ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला सतगुरु ने जिसे चाहा दीवाना बना डाला जिस जिस पे नजर डाली जिस जिस पे नजर डाली मस्ताना बना डाला दीवाना ये है मेरा दीवाना मैं दर में भी कह देना ये
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कखों लख बनाते फिर भी आखण मर गे कखों लख बनाते फिर भी आखण मर गए हाय आखण मर गए सतगुर प्यारे दा सतगुर प्यारे दा शुक्र कदे नहीं कर दे सतगुर प्यारे दा शुक्र कदे नहीं कर दे सतगुर प्यारे दा शुक्र कदे नहीं कर दे साइकल नू सी तरस रहे दा तेने बख्शिया कारा पैर न थले लगदे होइया हवा दे विच उडारा रब नू वी रब समझण ना असमानी उडदियां फड़दे सतगुर प्यारे दा शुक्र कदे नहीं करदे सतगुर प्यारे दा शुक्र कदे नहीं करदे देखण लगदे सील बड़े सिंगां ते बनियां छुरियां उत्तों मिश्री वर्गे मिठे अंदरों जहर दियां पुड़ियां स्याणियां दी कहावत वांग करेले निम्दे उत्ते चढ़ गए सतगुर प्यारे दा शुक्र कदे नहीं करदे सतगुर प्यारे दा शुक्र कदे नहीं करदे गुरु ने कोई कमी ना छड़ी बड़ा ही प्यार लुटाया मौत जेहे भयानक कर्मा तो किन्नी वार बचाया मुंह टुट जे कदे कहन जे रब्बा कजते साडे परदे सतगुर प्यारे दा शुक्र कदे नहीं करदे सतगुर प्यारे दा शुक्र कदे नहीं करदे सुबह दे पुले होए जो भी शाम नू कर मुड़े आउंदे शाह सतनाम जी बख्शन हार ने सीने नाल लगाउंदे इक बारी बां फड़ के दोना जहाना विच ना छड़ दे सतगुर प्यारे दा शुक्र कदे ना कर दे सतगुर प्यारे दा शुक्र कदे ना कर दे कखों लख बनाते फिर भी आखण मर गए सतगुर प्यारे दा शुक्र कदे नहीं करदे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी सजन बाजी प्यारी सत्संग जीओ परमपिता परमात्मा का शुक्राना हर जीव को हमेशा करते रहना चाहिए।
जो जिंदगी बख्शी है उस परमपिता परमात्मा ने इंसान के रूप में वो मालिक को पाने के लिए, आवागमन खत्म करने के लिए, तमाम गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा के वो लज्जत वो नजारे लूटने के लिए जिसकी कल्पना देवी देवता करते रहते हैं। आदमी तो वो कल्पना भी नहीं कर पाता जो नजारे आदमी को परमात्मा दे सकता है। तो वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम बे इंतहा खुशियां देने वाला है। कोई उसे सच्चे दिल से याद करे, सच्ची भावना से याद करे, तो उसे अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। पर ये घोर कलयुग है, वाकई लोक परमपिता जी ने एक भजन बनाया है, दाता पुल दाता नाल प्यार पालिया। दाता को भुला दिया जिसने सब कुछ दिया, और जो दिया उन दांतों के प्यार मोहब्बत में पागल हो गया। उदाहरण के तौर पे इंसान रोता है, भगवान मुझे बेटा दे, भगवान मुझे खुशियां दे, क्यों नहीं देता? तो सब कुछ दे सकता है, बस मैं तो तेरा मुरीद हूं, भक्ति करूंगा, इंसानियत के राह पे चलूंगा, इत्यादि इत्यादि। बड़ी तरले करता है, बड़ी मिन्नतें करता है, परमात्मा सुनता है और बेटा दे देता है। अब परमात्मा एक किनारे लग जाता है और बेटा ही बेटा, दिन रात सोते जागते भगवान तो याद ही नहीं। तो दाता पुल दाता नाल प्यार पाले, ऐसा है आज का इंसान। साजो समान मिल गया, कहते हैं ना गधे को बाप और फिर भगवान भगवान करते रहना अपना उल्लू सीधा करने के लिए। जैसे मतलब निकल गया, जैसे ही अपना मसला हल हो गया, तू कौन और मैं कौन। लोग एक दूसरे से स्वार्थ से ज्यादा प्यार करते हैं, इंसानियत के नाते करने वाले बहुत कम हैं। कोई ना कोई स्वार्थ सिद्धि, कोई ना कोई स्वार्थ अपना हल करने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, और जब स्वार्थ निकल जाता है तो मालिक को भूल जाते हैं। 100 डिमांड रखते हैं, 100 में से 100 पूरी हो जाती है, फिर कौन सा सांस लेना है? अगली 100 डिमांड और तैयार है। अब 100 तो पूरी हो गई, 101 पूरी नहीं हुई, तो पिछली सारी 100 को बुला देता है कि जो परोपकार किए, राई से पहाड़, साइकिल से हवा में उड़ार, कभी नहीं छोड़ी सदगुरु मौला ने, और ना छोड़ेंगे। कलयुग में तो दिन दुगनी रात चौगनी रहमो करम बढ़ता जा रहा है, पर आदमी की नियत इतनी गिर जाती है कि पिछले सारे परोपकारों को भुला देता है। मैं, गुस्सा, खुदी, अहंकार, ये है वो है फला है ढींगड़े, सब भुला देता है। परोपकारों को सब भुला देता है, मालिक के प्यार को। गुस्से में मन के हत्थे चढ़ के बुरे बुरे कर्म करने की सोचता है, करता है, जो कि उसे और नरकों की तरफ ले जाती है। तो इसलिए भाई बुरे कर्म ना करो। पीर फकीर तो दयालु होते हैं, उन्होंने तो सबको आशीर्वाद किया ना, भले के लिए आशीर्वाद देना है, पर अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल आपको एक ना एक दिन भोगना होगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, मालिक को याद करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपकी झोली में आ सके। दूर दराज से आए जी 70 लोग, भुज कच्छ गुजरात से आए हैं। हाथ खड़ा करने जी कहां है? बहुत स्वागत बेटा, बहुत स्वागत आपका। और कच्छ भुज से आए हैं एक, बहुत स्वागत, मालिक खुशी बख्शे। जहां तक नाम की बात है बेटा, अभी बताएंगे, अभी नाम तो अभी तो आज तो संभव नहीं है। आप कितने देर रुकते हैं? फिर आपको अभी पूछते हैं जुम्मेवार भाई कहाँ है, यहाँ कोई है कोई खड़ा, तो पूछिए कितनी देर रुकेंगे और फिर बात करते हैं बेटा, आपको बताते हैं। बहुत स्वागत आपका, प्रसाद लेना, अभी प्रसाद देते हैं, बहुत स्वागत, बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद बैठ जाए।
घर जाने वाले सेवादार 467 दिन वाले और मिस्त्री भाई भी सेवादार भी खड़े हो जाएं। शाही कंटीन वाले 708 बहन भाई, 25 मेंबर बहन भाई, यूथ 25 मेंबर बहन भाई, सेवा समिति वाले जिनकी शिफ्टें पूरी हुई और पूज्य पिताजी आप जी की। हाँ जी, तो पहले सेवादार तो आप प्रसाद ले जाना बेटा, परिवारों को आशीर्वाद कहना, सबको कहना पिता ने सेवा सुनी, मन लगे मालिक से दुआ करते हैं, घरों में खुशियां आए और बरकतें आए, जितनी आप सेवा करते हो उसे बढ़ चढ़ के मालिक खुशियां दे, पर बचनों पे पक्के रहना, फिर अंदर बार कोई कमी नहीं रहेगी। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ जी, आशीर्वाद बैठ जाए बेटा। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए दुबई यूएई की साथ संगत कुछ बहन भाइयों ने व्रत रखा है जी, आशीर्वाद बेटा। समय के अनुसार नारा लगा के व्रत खोल लीजिए, मालिक खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, आशीर्वाद। शास्त्र गर्ल्स स्कूल सिरसा, तन तनो मेरे शास्त्र नाम जी दतार, मेरे टोकी कर दी दाता जी बोशार, सदा टॉपर रखना यही अर्ज करें लिटर रोजे बार बार। टोटल स्टूडेंट 276, 90% से ऊपर आए 26 के, 80% से ऊपर आए 83 के, 70% से ऊपर 95, 60% से ऊपर 49, 50% से ऊपर 18 और 45% से ऊपर सिर्फ 4। मेरिट अगर देखें 109 है बोर्ड के हिसाब से और आप जो मान के चलते हैं वो है 128 और जो परसेंटेज है वो 46.3 है मेरिट की। टोटल प्लेयर्स वो 29 थे और उन प्लेयरों की भी 29 में 12 की मेरिट आई, ये बहुत बड़ी बात है, शाबाश। ओवरऑल रिजल्ट 99.2% है जी। आप जी की रमेश शाही बेटी गुरंस ने 92.6% अंक प्राप्त किए। हाँ शाबाश बेटा, ये बच्ची शुरू से ही टॉप करती आ रही है और हमें बड़ा मान है इस गुड़िया पे। इस बार भी इसने टॉप ही लगभग टॉप की तरफ बढ़ी है 92.6%, शाबाश। और ये गन शूटर भी है, प्लेयर भी है, उसमें भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, पहले रही है, तो बहुत बड़ी बात है बेटा, शाबाश, वेल डन। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, ईर्ष्या ना करो। जो आपको कई बार लिखा ना ट्रकों के पीछे लिखा होता है जलो मत, बराबरी करो। सो आप बच्चों जो आसपास वाले देख रहे हो, जलना नहीं, बराबरी करनी कि हमने भी आगे बढ़ना है, हमने भी ऐसे ही नंबर लेने हैं। तो शाबाश बेटा, बैठ जाएं, बाद में प्रसाद ले लें, सेवा समय मन लगे, घरों में खुशियां आए। और ये सारे इस खुशी में बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल दिंदु के मध्य में 1,00,000 रुपए जमा करवा चुके हैं, खड़े हो जाएं जी। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। हाँ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात, खड़े रहिए थोड़ी सी देर। सुना है सुंदर सी नई गुफा बनाई है, हलबे की खुशबू शास्त्र गर्ल्स स्कूल तक आई है, इसलिए सारे भागे भागे आए हैं, सुंदर सी गुफा की सुंदर से पापा को देने बधाई आए हैं। शास्त्र गर्ल्स स्कूल सरसा के बच्चे टीचर प्रिंसिपल इस खुशी में दिंदु के मध्य बैंक में 1,00,000 रुपए जमा करवा चुके हैं जी। वाह जी, आशीर्वाद। एक और सुंदर सा कार्ड भी बनाया है और एक और भी कार्ड है जी, अभी खड़े रहिए आप। एलओ वी एच जी कर लो जी। नई गुफा की खुशी में शास्त्र जी गर्ल्स कॉलेज के स्टूडेंट स्टाफ बैंक में 7,770 रुपए जमा करवा चुके हैं। हम सब बच्चों को जल्दी जल्दी गुफा बुलाने के लिए अर्ज करते हैं, सानू दिल वाली कोठी दा तुसी रख लो प्यारेदार जी। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया है, खड़े हो जाए। तो बेटा पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में आप तरक्की करें और कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि 45% से ऊपर वाले चंद ही हैं, ज्यादातर फर्स्ट डिवीजन मेरिट या 70% से ऊपर वाले और 90% से ऊपर वाले, बहुत बड़ी बात है, बहुत कमाल है। और ऐसे ही सारे कॉलेज वाले भी आप तरक्की करो बेटा और सारे घरों में खुशियां आए, मालिक प्यार बढ़ाए। रही बात नई गुफा की, तो गुफा बहुत लंबी चौड़ी हुई पड़ी थी तो उसको हमने कंपैक्ट किया और सुंदर तो जैसे आपको पता दिखाई दिया करते हम, कैसी बनाई है कैसी है वो सबको पता चल ही जाता है। सो सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, सेवा सुने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए बेटा। सो प्रसाद ले लेना, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद।
और बच्चों और तरक्की करो और आगे बढ़ो, मालिक खुशियां दे, शाबाश बेटा शाबाश। जिनके परिवार में किसी ने चलो छोड़े, पांच परिवार आए खड़े हो जाए, सभी का नाम लिया था, दो का शरीरदान शरीरदान महादान, एक ही आंखें दान महादान, तीन परिवार परिवार तीन परिवार दिंदु के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, आशीर्वाद परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी, खड़े हो जाए। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के जो तेरे धाम सचखंड सतलोक राम में जरूर जाती है, अस्थियां फूल लेके आयो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नार लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक जो तेरे धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देते हैं मरहम जरूर देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत जी आया नू, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय सज रही है, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपने अपनी जगह पर बैठे रहेंगे।